हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर आपको एमजीटी 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विच ऑफ दिस इज दी एलोकेशन एलोकेशन है और री एलोकेशन है कैपिटल की एंड रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड एसेट्स एंड डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट डिसीशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको सम टाइम रेफर किया जाता है द मिस्ट्री अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर लेफ्ट टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई, वो है मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव्स। उसके बाद ये कि जो पर्पस है एक एक्सटर्नल ऑडिट का वो प्रिपेयर करना होता है एक लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में से किसकी, वो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद ये कि डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के अंदर शामिल हैं तमाम ऑप्शन जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के और वो है एक्विजिशन, और बाकी जो ऑप्शन है वो है रिट्रेंचमेंट डिवेस्टिचर एंड डी लिक्विडेशन। उसके बाद ये कि स्मूथीज टायर और रबर कॉरपोरेशन जो है वो सेल कर रही है इट्स नॉर्थ अमेरिकन टायर बिजनेस, अपना नॉर्थ अमेरिकन टायर बिजनेस जो है वो सेल कर रही है एवेंजा इंटरनेशनल को, वो एग्जाम्पल है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी की, वो है डाइवेस्टिचर की। उसके बाद ये कि किस तरह की स्ट्रेटजी वुड यू रेकमेंड, आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वैक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट है -4 -4, वो है डिफेंसिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक मेजर रीजन IE मैट्रिक्स का, वो है ग्रो एंड मेंटेन। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के मुताबिक इन विच क्वाड्रेंट ऑर्गेनाइजेशन और किस क्वाड्रेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन है लेकिन स्लो बट आर इन अ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री, वो है फोर्थ। और उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से तमाम जो है वो एग्जाम्पल हैं प्रमोशन डिसीजन की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो एक्सेप्शन है वॉल्यूम डिस्काउंट का, बाकी ऑप्शन है पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशंस एंड दी एडवर्टाइजिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप है इन प्रिपेयरिंग प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एनालिसिस, वो है प्रिपेयर करना प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद ये है कि जब क्या है व्हाट इज द सेंट्रल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक, सो सेंट्रल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक क्या है जो कि अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू एग्जामाइन करें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वेरियस एक्शन का और अप्रोचेस का, वो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट स्टेटमेंट टू प्रोजेक्ट करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो आइटम एक्सपेंस आइटम है इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनमें कौन सा जो है वो रिकमेंडेड है, इसका जवाब है यूज़ करना परसेंटेज ऑफ सेल्स मैथड। उसके बाद ये कि इंटीग्रेटिव इंटेंसिव और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो ऑफन इम्प्लीमेंट किया जाता है उनको इनमें से बाय विच वो ऑफ द फॉलोइंग, वो है एक्वायरिंग फर्म्स। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन हैं वो एग्जाम्पल है सर्विस एक्टिविटी ऑफ पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है पैकेजिंग, और बाकी ऑप्शन जो है वो है कस्टमर सपोर्ट रिपेयर सर्विसेज एंड इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी ऑप्शन है मार्केटिंग एंड सेल्स आउटबाउंड लॉजिस्टिक एंड इनबाउंड लॉजिस्टिक। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में, वो है इट इंक्लूड्स इसके अंदर शामिल है रिसीविंग स्टोरिंग इन्वेंटरी कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। उसके बाद ये है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है पैकेजिंग प्रोडक्ट डिस्पोजल और कॉरपोरेट रिवार्ड्स शुड रिफ्लेक्ट करना चाहिए इनमें से किस ऑप्शन को, सो वो है एनवायरमेंटल कंसीडरेशन। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है विजन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में, वो है कि ये कॉन्सेंट्रेट करता है फ्यूचर के ऊपर। उसके बाद ये कि फर्म जो है लोकेटेड जो लोकेट करती हैं इन विच क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के आर इन वो होती हैं एक्सलेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन में, वो है फर्स्ट। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिविजनल स्ट्रक्चर है व्हेन अ फ्यू मेजर कस्टमर आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड मेनी डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू दिस कस्टमर, वो है बाय कस्टमर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट अप्रोप्राइट है फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, वो है कि कंपेयर करना एक फर्म की परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर्स के साथ। उसके बाद है कि कंपनी जो कि एक्वायर करती है या डेवलप करती है नई प्रोडक्ट को डेट कुड अपील जो कि अपील कर सके
टू इट्स करंट कस्टमर ग्रुप्स को इवन दो दोस न्यू प्रोडक्ट्स मे बी टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड, जो कि टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड हो सकती हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन से। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्टेटमेंट को, वो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद ये कि जो वेबसाइट जो कि सेल करती है प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, वो एग्जाम्पल है इनमें से किस तरह की स्ट्रेटजी की, वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि एक सीरीज जो रेशियोज की जो कि मेजर करता है द एक्सटेंट टू विच अ फर्म हैज बीन फाइनेंस बाय डेट इज नोन एज, वो जाना जाता है किसके तौर पर, लेवरेज रेशियोज। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा बिजनेस एक्शन जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है एथिकल, सॉरी अनएथिकल, सॉरी अनएथिकल नहीं कंसिडर किया जाता, वो है टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, यूजिंग नॉन यूनियन लेबर इन अ यूनियन शॉप है, और इसके अलावा प्रोडक्ट पुअर प्रोडक्ट और सर्विस सेफ्टी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फर्स्ट स्टेप है डेवलपिंग के अंदर आई एफ ई मैट्रिक्स के, वो है आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। उसके बाद है हमारे पास के आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो मोस्टली जो है आर मोस्टली बेस्ड ऑन फर्म इंटरनल असेसमेंट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रिमेल्ट, वो है फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एग्जाम्पल है प्लेस डिसीशंस का, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। और उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो डिफेंसिव टैक्टिक्स हैं डायरेक्टेड होती हैं एट रिड्यूसिंग इंटरनल वीकनेसेस एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल थ्रेट्स, वो है WT। और उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ दिस इज ट्रू, वो ट्रू है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, वो है कि ये इट इज प्राइमरीली एन ऑपरेशनल प्रोसेस, ये प्राइमरीली जो है वो एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। उसके बाद ये कि स्पेस मैट्रिक्स जो है उसके चार क्वाड्रेंट्स हैं, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी हैं आर स्पेस मैट्रिक्स क्वाड्रेंट सिवाय एक 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 को छोड़ के, और वो है ऑफेंसिव, बाकी जो है ऑप्शन वो है एग्रेसिव, डिफेंसिव एंड दी कॉम्पेटिटिव। और उसके बाद ये कि व्हाट इज द सेंट्रल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, सेंट्रल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक क्या है जो कि अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू एग्जामिन एग्जामिन करना एक्सपेक्टेड रिजल्ट या वेरियस एक्शंस और अप्रोचेस के, वो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है, एक मेजर फैक्टर है जो कि कॉमनली प्रोहिबिट करता है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क। और उसके बाद ये है कि हाउ कैन एन ई शॉप एम्पावर एम्प्लॉय, कैसे जो एक ई शॉप जो है वो एम्पावर कर सकता है एम्प्लॉयज़ को, वो है कि ये एम्पावर करता है एम्प्लॉयज़ को टू वर्क एज ओनर्स। और उसके बाद ये कि मैक्स रेंट अ कार जो है वो ओपनिंग कर रहा है कार रेंटल शॉप जो है वॉलमार्ट स्टोर में, वो एग्जाम्पल है इनमें से किस तरह की स्ट्रेटजी की, वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंक्लूड्स द सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स वैल्यूज शेयर्ड वैल्यूज बिलीफ एटीट्यूड कस्टम्स नॉर्म्स पर्सनैलिटीज हीरोज एंड हीरोइंस दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करे एक फर्म को, वो है कल्चर। सो ये जवाब है इसका कल्चर। और उसके बाद ये कि एक्सटेंड एक्सटेंड जो कि एक बिजनेस जो है वो अ बिजनेस कॉन्सेंट्रेट कर नैरोली डिफाइंड मार्केट बेस्ट रेफर किया जाता है एज अ निच स्ट्रेटजी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है एज हैविंग अल्टरनेटिव प्लान डेट कैन बी पुट किया जा सकता है इनटू इफेक्ट अगर सर्टेन की इवेंट्स जो है वो नहीं अकर होते हैं जो एज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, सो वो है कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग। उसके बाद ये कि किस तरह की स्ट्रेटजीज जो है आप रिकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर्स के अंदर कोऑर्डिनेट हैं कुछ इस तरह से -2 एंड +3, वो है कंजर्वेटिव। और उसके बाद है हमारे पास के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड है तमाम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली ये कि इनमें से कौन सा जो है वो शामिल है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सो वो है वेयर हाउसिंग। और उसके बाद ये कि मैनेजेरियल डिसऑर्डर और स्ट्रेटेजिक डेविएशन जो अपेयर होगा अगर इफ देयर इज पावर स्ट्रगल, अगर पावर स्ट्रगल है और कॉन्फ्लिक्ट है डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, सो सिचुएशन निगेट्स करती है इनमें से कौन से रिमेल्ट्स क्राइटेरिया को, वो है कंसिस्टेंसी। और उसके बाद है हमारे पास कि रिटेन अर्निंग जो है वो ऑप्टेंड होती है बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट के जरिए इनमें से कौन से दो ऑप्शन आइटम्स, वो है डिविडेंड्स फ्रॉम नेट इनकम। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो है डिटरमाइन करने का एक फर्म की नेट वर्थ कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है
मार्केट प्राइस जो है फर्म स्टॉक के मल्टीप्लाई बाय एवरेज नेट इनकम फॉर द पास्ट 5 ईयर्स एनुअल अर्निंग्स पर शेयर। सो इसका जवाब है प्राइस अर्निंग्स रेशियो मेथड। और उसके बाद ये कि पॉलिटिकल वेरिएबल्स जो है हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका जवाब है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज वन ऑफ दी वो जो है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंटल और लीगल फैक्टर है। इनमें से कौन सा यानी ऑप्शन ऐसा है जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंटल और लीगल फैक्टर में से है। सो वो है लॉबिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद ये कि जो कंपनी एक्स वाई जी है वो जानना चाहती है जो मेजर फेवरेबल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट करती है उसके एनवायरनमेंट में। एसेंशियली तौर पे जो कंपनी है वो वांट्स टू गेन गेन करना चाहती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट किसकी वो है अपॉर्चुनिटी। इसके बाद है हमारे पास कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस में से है इनमें से किसके वो है मार्केटिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कौन सी टर्म एक्चुअली डिस्क्राइब करती है जो मर्जिंग है टू या टू से ज़्यादा बिजनेसेस की सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सम फॉर्मल और फॉर्मल लीगल रिलेशनशिप में वो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि गुलाम नबी जो कि एक फार्मर सेल करता है अपनी क्रॉप्स को एट लोकल मार्केट पे ना कि ये के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। सो ये जो एक्शन है गुलाम नबी का कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किस ऑप्शन यानी कि किसके अंडर में आता है वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसके अंदर इन्वॉल्व है गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वो है न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रेजेंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर दी टू इंटरनल डायमेंशंस। दो इंटरनल डायमेंशन है रिप्रेजेंटेड ऑन दी एक्सिस ऑफ दी स्पेस मैट्रिक्स वो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसके बाद ये कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के मुताबिक कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो रेकमेंडेड होती है एक फर्म के लिए रैपिड मार्केट ग्रोथ के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव पोजिशन वो है मार्केट पेनिट्रेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक मेजर फैक्टर जो कि कॉमनली फॉर्मेट करता है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन को वो है लॉन्ग रन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। उसके बाद ये कि रिस्ट्रक्चरिंग जानी जाती है इस नाम से भी इज ऑल्सो नोन एज क्या वो है डी लेयरिंग। उसके बाद ये कि कौन सी टर्म जो है वो ऑफन कंसर्न है प्राइमरीली शेयर होल्डर की वेल बींग के साथ ना कि एम्प्लॉय की वेल बींग के साथ वो है रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद ये कि ऑल दी एम्प्लॉयज जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट के हैव रिसीव हुआ कितना 15% जो है इंक्रीज प्रॉफिट ओवर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड और टारगेट प्रॉफिट। सो इनमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को जो आपको बताया गया वो है गेन शेयरिंग। उसके बाद है कि इंटीग्रेटिव इंटेंसिव और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो ऑफन इम्प्लीमेंट की जाती है इनमें से किस ऑप्शन से वो है एक्वायरिंग फर्म्स। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी टास्क दिए गए आपको नीचे परफॉर्म्ड होते हैं आर एंड डी एम्प्लॉयज से और मैनेजर से सिवाय एक्सेप्शन जो है वो है मेक श्योर दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और बाकी जो ऑप्शन है वो है ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है अडेप्टिंग प्रोसेस टू लोकल मार्केट और एडजस्टिंग प्रोसेस टू लोकल रॉ मटेरियल। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है एज अ डिफिकल्टी इन इवेल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज वो है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल। और उसके बाद ये व्हाट इज टिपिकल प्रॉब्लम क्या है जो कि एसोसिएट है यूजिंग क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के साथ एवेल्यूएट करने के लिए स्ट्रेटजीज वो है डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स कैन प्रोवाइड वो प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन मेनी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है पैकेजिंग है प्रोडक्ट डिस्पोजल है और कॉर्पोरेट रिवार्ड है रिफ्लेक्ट करना चाहिए इनमें से किसको वो है एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन। और उसके बाद है हमारे पास जो फ्यूचर डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट जो कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज करती है वो है आइडेंटिफाई द टर्म रिलिवेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। सो अब कौन सी टर्म जो है वो रिलिवेंट है इस स्टेटमेंट से वो है गोल। और उसके बाद ये कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस
वन एंड प्लस फाइव, वो है एग्रेसिव। उसके बाद ये क्या एस्टेब्लिश करना है, एनुअल ऑब्जेक्टिव रेफर किया जाता है इनमें से कौन सी एक्टिविटीज को, वो है इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी, इनकी ये जो एक डिसेंट्रलाइज एक्टिविटी है। और उसके बाद ये कि कौन सी पे स्ट्रेटजी जो है वो एक फॉर्म नहीं है इंसेंटिव कंपनसेशन की, वो है आवरली वेज। उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अगर सक्सेस जो है फॉर वन ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट, मीन्स अगर सक्सेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट के लिए मीन्स फेलियर फॉर अनदर डिपार्टमेंट, सो वो है स्ट्रेटजीज मे बी इनकंसिस्टेंट। उसके बाद ये कि आर एंड डी एक्सपर्टीज जो है वो ऑब्टेंड होना चाहिए एक्विजिशन के जरिए एक वेल स्टेब्लिश फर्म की इंडस्ट्री के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन के अंदर, वो है अगर इफ बहुत टेक्निकल, अगर दोनों यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस और मार्केट ग्रोथ आर फास्ट। उसके बाद ये कि जो पर्पस है मिशन स्टेटमेंट का वो है डिक्लेयर करना तमाम जितने भी आपको दिए गए हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, सो वो एक्सेप्शन है एन एनुअल फाइनेंशियल प्लान, और बाकी है एक रीज़न, रीज़न ऑफ बीइंग है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स हैं। उसके बाद ये कि असाइनिंग करना, ये वन रेटिंग जो है एक की एक्सटर्नल फैक्टर को इंडिकेट करता है क्या रिस्पॉन्स जो है वो पुअर है। उसके बाद है कि मैक्स रेंट कार जो है वो ओपनिंग कर रहा है कार रेंटल शॉप जो है वॉलमार्ट स्टोर में, ये एग्जांपल है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी की, वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और आई थिंक ये रिपीट है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, जो सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, द क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट, क्रिएशन है न्यू की लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि मार्केट की जा सकती है करंट कस्टमर्स को एस्टेब्लिश चैनल्स के जरिए, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जब एक डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो है वो पुअर परफॉर्म करे, वो है डाइवेस्टिचर। उसके बाद ये कि अदर देन रैंकिंग स्ट्रेटजीज, रैंकिंग स्ट्रेटजीज के अलावा अचीव करना प्रायोरिटाइज लिस्ट को, ओनली वन टेक्निकल एनालिटिकल टेक्निक इन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन विच इज़ डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शंस की, वो जाना जाता है QSPM के तौर पे। उसके बाद है कि जो एलोकेशन है और री एलोकेशन है कैपिटल की और रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स एसेट्स और डिवीजन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो जाना जाता है किसके तौर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तौर पे। उसके बाद ये कि जो एक्सेस है IE मैट्रिक्स का, एक IFE टोटल वेटेड स्कोर जो है 3.75 का डिपिक करता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो है एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल पोजीशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है पार्ट हिस्सा नहीं है रिसोर्स एलोकेशन प्लान का, वो है प्राइमरी एलोकेशन मैकेनिज्म। उसके बाद ये कि किस तरह की स्ट्रेटजीज आप रेकमेंड करेंगे जब एक फर्म का स्पेस मैट्रिक्स डायरेक्शनल वैक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ इस तरह से -2 एंड +3, वो है कंजर्वेटिव। उसके बाद ये कि एंट्री इन्वेंटरी जो है इज व्यूड, उसको देखा जाता है एज इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर, वो है इनकरिंग कॉस्ट। उसके बाद है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज स्पेशली यूज, मार्केट सेगमेंटेशन को स्पेशली यूज किया जाता है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म, कौन सी फर्म के अंदर ये कौन सी फर्म करती है, वो है स्मॉल फर्म्स। उसके बाद है कि तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं वो रिक्वायरमेंट हैं सक्सेसफुल सेगमेंटेशन के लिए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है होमोजेनिटी बिटवीन सेगमेंट, सेगमेंट्स के दरमियान होमोजेनिटी। बाकी ऑप्शन है कि सेगमेंट जो है वो लार्ज इनफ हो टू बी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल होने के लिए, और सेगमेंट जो है वो एक्सेसिबल है और एक्शनेबल है, और हेट्रोजेनिटी हो सेगमेंट्स के दरमियान। उसके बाद है फिर हमारे पास कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर शामिल है हेडिंग टू वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, सो उसका जवाब है एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो उसको ऑफन कंसिडर किया जाता है फर्स्ट स्टेप के तौर पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, वो है डेवलप करना विजन स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको कंसिडर किया जा सकता है एज अ फैक्टर, फैक्टर के तौर पर इंटरनल स्ट्रेंथ्स के और वीकनेसेस के एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो है प्रोडक्शन और ऑपरेशन। उसके बाद है कि पीटर ड्रकर के मुताबिक क्या प्राइम टास्क है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो है टू थिंक, थिंक करना सोचना थ्रू द ओवरऑल मिशन ऑफ अ बिजनेस।
उसके बाद एक एक कॉम्प्लेक्स सेट जो है बेसिक अंडरलाइन अजम्पशन का और डीपली हेल्ड बिलीव्स शेयर्ड, जो कि शेयर्ड करते हैं तमाम मेंबर्स एक ग्रुप के एंड ड्राइव इन इम्पॉर्टेंट वेज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या चीज़ है? ये है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।